मैं आशा जस्ट किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे कुट्टू के आटे का मसाला डोसा। ये फलाहारी मसाला डोसा बहुत ही स्वादिष्ट बनता है, बहुत ही यम्मी होता है। एक बार आप बना लेंगे तो आप ये हर व्रत में बनाना चाहेंगे, इतना स्वादिष्ट बनता है। तो चलिए आज मिलके बनाते हैं कुट्टू के आटे से फलाहारी मसाला डोसा। ये नाश्ता बनाने के लिए हमें इन इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर 6 आलू को हमने बॉईल कर लिया था और मैश करके यहाँ पर ले लिए हैं। एक बड़ी कटोरी कुट्टू का आटा, बारीक कटी हुई हरी धनिया, जीरा, सेंधा नमक, घी, काली मिर्च पाउडर, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, एक बारीक कटा हुआ टमाटर, एक छोटी सी लौकी को हमने छील के इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। इसको हम पीसेंगे, इसको हम बारीक पीस के डोसे के लिए बैटर तैयार करेंगे। इस डोसे के साथ खाने के लिए चटनी बनाएंगे हम, जिसके लिए कि ये थोड़ी सी हरी धनिया, 3 हरी मिर्च और मूंगफली को हमने बॉईल करके ले लिया है, इससे हम चटनी बनाएंगे। इसको हम एकदम बारीक पीस लेंगे। 1 कप पानी डाल के इसको हम बारीक पीस लिए हैं और बाद में पानी की ज़रूरत पड़ेगी तो ज़रूरत के हिसाब से इसमें हम पानी ऐड करेंगे। इसको एक बाउल में हम ट्रांसफ़र करेंगे। अभी कुट्टू का आटा इसमें हम डालेंगे। नमक अपने स्वाद के अनुसार डालें आप और इसमें हम ज़रूरत के हिसाब से पानी डालते जाएंगे। इसको हम इस बैटर को हमें ऐसे तैयार करना है जैसे हम डोसे का बैटर तैयार करते हैं, वैसे ही इसको तैयार करना है। लौकी डालने से क्या होता है कि बैटर सॉफ्ट सा तैयार होता है और इससे बहुत अच्छे डोसे बनते हैं। डोसा का बैटर जैसे होता है वैसे इस बैटर को रखना है। अब इसको थोड़ी देर के लिए ढक के हम रख देते हैं। इस डोसे के साथ खाने के लिए हम चटनी बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने ये थोड़ी सी हरी धनिया लिया है, 3 हरी मिर्च और 1 कटोरी बॉईल की हुई मूंगफली, चाय के कप से 1 कप पानी इसमें हम ऐड करेंगे। नमक अपने स्वाद के अनुसार डालें आप। इसको हम बारीक पीस लेंगे। एक चम्मच इसमें हम घी ऐड करेंगे, आधा चम्मच जीरा। जीरा अगर व्रत में ना खाते हो तो इसको स्किप कर सकते हैं। इस चटनी को तिल से हम तड़का लगा रहे हैं। साबुत लाल मिर्च, कड़ी पत्ता, इस तड़के को हम चटनी पर डालेंगे। इस मूंगफली के चटनी में तिल का तड़का जो हम लगाते हैं इससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। अगर जीरा ना खाते हो तो सिर्फ तिल का तड़का लगाएं। अब ये चटनी बन के तैयार है एकदम। इसको हम डोसे के साथ सर्व करेंगे। घी में तैयार कर रहे हैं। आप अगर चाहें तो पीनट ऑयल या जो भी व्रत में जो भी ऑयल खाते हो उसको यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। आधा चम्मच जीरा और ये थोड़े से कड़ी पत्ते को हमने तोड़ के यहाँ पर ले लिया है। हरी मिर्ची, अब ये टमाटर भी इसी में हम डाल देंगे। 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर, नमक अपने स्वाद के अनुसार डालें आप। धनिया भी अभी हम इसमें डाल देंगे और धनिया डाल के इसको बहुत अच्छी तरह से भूनेंगे। हमने यहाँ पर अदरक का इस्तेमाल नहीं किया है,
अगर आप अदरक पसंद करते हो तो ग्रेट करके यहाँ पर इसमें अदरक भी डाल सकते हैं। अब ये मसाला बहुत अच्छी तरह से भुन गया है, मसाला तैयार है, अब हम डोसा बनाएंगे। तवे पर हम थोड़ा सा घी डालेंगे, तो आप देख सकते हैं एक क्रिस्पी डोसा बन के तैयार है, फलहारी डोसा है। तो आप इस तरह से डोसा बनाएं, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होता है, बहुत यम्मी होता है। इस तरह से डोसा बना लेंगे तो आपको लगेगा कि हम रोज व्रत ही रहे। अगर ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इस तरह के नई नई रेसिपीज देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर सब्सक्राइब ना किए हो तो। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।